नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज टोक्यो ओलंपिक का समापन हो चुका है और पदकों की संख्या के लिहाज से यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक रहा है। भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते हैं, लेकिन जब हम अन्य देशों से, छोटे छोटे देश, गरीब देशों से भारत की तुलना करते हैं जो दुनिया में जनसंख्या के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश है और संसाधन के दृष्टि से काफी रिच, काफी साधन संपन्न देश है, तो हम पाते हैं कि स्थिति काफी गंभीर है। उदाहरण के लिए कुछ देशों को लिया जा सकता है यहाँ पर, जैसे कीनिया, जो कि जिसने कि 4 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। कोसोवो, जिसे भारत एवं अन्य दुनिया के कई देश है देश के रूप में मान्यता ही नहीं देते हैं, उसने भी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तुर्की, जिसे कि सिकमैन ऑफ यूरोप कहा जाता है, उसने भी कुल 13 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण और 9 कांस्य पदक हैं। जमैका, फिजी और बहामास जैसे जो छोटे छोटे टापू वाले देश हैं, इन्होंने भी कितना, 4 स्वर्ण जमैका ने और 1 रजत, 4 कांस्य जीता है, जबकि फिजी ने 1 स्वर्ण जीता है, बहामास ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। बरमूडा, जिसका क्षेत्रफल जो है 53 स्क्वायर किलोमीटर है, उसने भी 1 स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो अगर पदक तालिका में हम देखें तो इनमें से अधिकांश देश जो है भारत से ऊपर है। तो स्थिति हम देखते हैं कि इस बार भी उतनी जो है कि नजर आती है कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि हमने सबसे अधिक पदक जीता है, लेकिन स्थिति इस बार भी बहुत शानदार नहीं है। अब हम भारत का ओलंपिक में अब तक का ओवरऑल प्रदर्शन देखते हैं, ओवरऑल प्रदर्शन पर हम नजर डालते हैं तो क्या पाते हैं कि स्थिति वहां भी जो है बहुत ही गंभीर है। अब तक भारत ने कुल मिलाकर 28 पदक जीते हैं। 2016 तक भारत ने कुल 28 पदक जीते थे, जिसमें क्या है कि 9 स्वर्ण पदक है। इसके विपरीत जो है उत्तरी कोरिया जैसा देश है, उसने 16 स्वर्ण पदक सहित 56 पदक, ईरान ने 19 स्वर्ण पदक सहित 69 पदक, जमैका ने कुल 78 पदक जीते जिसमें 22 स्वर्ण पदक, तुर्की ने 39 स्वर्ण पदक सहित कुल 91 पदक, कीनिया जैसा गरीब देश जो है 31 स्वर्ण पदक सहित 103 पदक, और क्यूबा जैसा राष्ट्र जो है इसने कुल 226 पदक जीते हैं। भारत ने कुल जीता है 28 और उसमें सिर्फ 8 गोल्ड मेडल था, 9 गोल्ड मेडल, 8 हॉकी में और 1 जो है शूटिंग में। तो भारत के ओलंपिक के इतिहास में, भारत ने जो ओलंपिक के आज तक के इतिहास में जितना पदक जीता है, उतने ही पदक, एग्जैक्टली उतने ही पदक जो है अमेरिका के एक तैराक जो है माइकल फेल्प्स, अकेले उन्होंने जीत लिए हैं, उन्होंने भी कुल 28 पदक जीते हैं। फर्क केवल यह है कि भारत ने जो 28 पदक जीते हैं उसमें 9 स्वर्ण पदक हैं, जबकि माइकल फेल्प्स जो है उनके 23 स्वर्ण पदक हैं, यानी 23 पदकों का रंग जो है वह पीला है। तो अब सवाल उठता है कि भारत जो है, भारत जैसा देश जो है ओलंपिक आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पर्धाओं में भारत का इस फीके प्रदर्शन का कारण क्या है? क्या यह पश्चिमी देशों का पक्षपात तो नहीं है? पश्चिमी देश जो हैं क्या भारत के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ पश्चिमी खेलों को छोड़ दिया जाए जो कि उन देशों में खेले जाते हैं और जिनमें बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है, तो ओलंपिक में जो खेल खेले जाते हैं उसमें अधिकांश जो है क्या है, खेल जो है भारत की संस्कृति में रची बसी हुई खेल है। जैसे कि आपको हमारी संस्कृति में क्या है, 20 फीट दूर कच्ची छोटी अमिया पर निशाना साधता बालक अथवा जल में तैर रही मछलियों को अपने तीर कमान से बेच देने वाला आदिवासी, शर्त लगाकर नदी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पत्थर फेंकते बच्चे, नदी नालों का जो अपना देश है इसमें जन्मजात प्रतिभा से संपन्न होते हैं मछुआरे के बच्चे तैराकी की, उसमें अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि जो है हम लोग जो है इन सब जो है कई सारे ऐसे खेल हैं उनमें हम कोई पदक नहीं जीतते हैं, जैसे कि कुश्ती, तीरंदाजी, भाला फेंक, शॉट पुट इत्यादि जो है वो भारत की संस्कृति का अनुकूल है और यहाँ की संस्कृति में रचा बसा है। इसके बावजूद जो है हम लोग उन क्षेत्रों में भी पदक नहीं जीतते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इनके सुधार के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि भारत जो है बड़े स्तर के जो खेल हैं, बड़े स्तर के जो आयोजन है उनमें अधिक से अधिक पदक जीत सके। तो अगला है सुधार के लिए किए जाने वाले प्रयास, यानी हमें कौन कौन सा कदम उठा सकते हैं। तो पहला जो है वह है खेल संस्कृति का विकास। तो भारत में जो है तृणमूल स्तर पर अर्थात ग्रास रूट लेवल पर क्या है, खेल संस्कृति के विकास की जरूरत है कि खेल संस्कृति का हम विकास करें। और इसके लिए क्या हो कि विद्यालय स्तर पर ही क्या होता है कि बच्चों को ठूस ठूस कर कहा जाता है कि तुम पढ़ाई पर ही ध्यान दो, लेकिन उसमें भी कई ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो जिनमें खेलों की जन्मजात प्रतिभा होती है। तो
खेलों में रुचि रखने वाले ऐसे बच्चों को जो है विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। जूनियर सब जूनियर स्तर में ऐसे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही साथ उनके श्रेणियों में यानी जूनियर सब जूनियर में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की जानकारी जो है ऐसे प्रशिक्षुओं को होनी चाहिए, जिससे वे अपने प्रदर्शन में उत्तरोत्तर सुधार को प्रेरित हो सके। तो एक प्रयास यह किया जा सकता है कि खेल संस्कृति का विकास। दूसरा है अवसंरचनाओं का विकास, यानी खेल संबंधी अवसंरचनाओं का विकास। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि प्रत्येक जिले में जो है एक प्रशिक्षण शिविर या प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्था की जा सकती है। उन जिलों के जो है प्रत्येक जिले के जो प्रशिक्षण संस्थान हैं वहां पर जो बेस्ट खिलाड़ी होंगे उनका चयन करके फिर उन्हें राज्य स्तर पर जो है प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाना चाहिए, वहां उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है और फिर वहां से चयनित होकर जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाना चाहिए और वहां पर उन्हें प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उनको दिए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ खेल विज्ञान एवं खेलों से जुड़े अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है कि स्वतंत्र पर्यवेक्षक जो है उसके रूप में विदेशी खिलाड़ियों एवं कोच की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो भारतीय खिलाड़ियों की प्रगति का और उनको जो सुविधाएं प्रदान की जाती है उनका वो मूल्यांकन कर सके। अगला है प्रोत्साहन एवं सुविधाएं कि क्या क्या हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो खेलों के ओलंपिक रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड, एशियाई रिकॉर्ड आदि को तोड़ने से पहले जो है उसको तोड़ने के पहले ही इनामों की घोषणा की जानी चाहिए कि एशियाई रिकॉर्ड तोड़ने पर मान लिया उदाहरण के लिए 1 करोड़ रुपए, ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने पर 2 करोड़ रुपए, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने पर 3 करोड़ रुपए इस तरह से प्रदान किए जाएंगे। तो ये घोषणाएं जो है पहले ही की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को जो है उनकी योग्यता के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जैसे इन सुविधाओं में हो सकता है ट्रेन वायुयान में फ्री का सफर है, टेलीफोन बिजली पानी आदि का बिजली का जो बिल है उसको माफ किया जाना, पौष्टिक भोजन है तो मुफ्त कूपन जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। ये सुविधाएं क्या होंगी, ये दिए जाने से यह होगा कि जो खिलाड़ी हैं मतलब जैसे कि आप देखते होंगे कि कॉरपोरेट लेवल में जो होता है ये बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। तो खिलाड़ियों के संदर्भ में भी यही होगा कि ये छोटी छोटी सुविधाएं जो होंगी न सिर्फ खिलाड़ियों की आत्मसंतुष्टि के स्तर में वृद्धि कर उनकी उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होंगी, उनके प्रदर्शन में वृद्धि में सहायक होंगी, बल्कि इससे क्या होगा खिलाड़ी के परिवार वाले भी काफी प्रसन्न रहेंगे और खिलाड़ी जो है वो अपने परिवार के लिए क्या होगा लाइबिलिटीज के बजाय एसेट सिद्ध होगा। इसके अलावा यह भी किया जा सकता है कि तमाम तरह के छात्रवृत्ति, खेल छात्रवृत्ति की घोषणा की जा सकती है। अगला जो है सुधार के लिए किए जाने वाले प्रयास में है लाल फीताशाही को समाप्त करना, रेड टेपिज्म को समाप्त करना। तो जो खेल प्राधिकरण जितने हैं उनको बाबू संस्कृति से मुक्त किया जाना चाहिए और उनका कुशल प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त क्या है कि खेल संस्थान में हम देखते हैं कि विविध पदों पर जो है जो अधिकारी होते हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है, तो उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। लंबे समय से हम लोग देखते हैं कि भारत में कई ऐसे खेल संस्थान हैं जिसमें लंबे समय से एक ही व्यक्ति जो है सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, तो लंबे समय से जो खेल संस्थानों पर ऐसे लोग जो उच्च पदों पर काबिज हैं और कोई परिणाम नहीं दे रहे हैं तो उनको हटाकर उस खेल के उपयुक्त खिलाड़ी को उसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। खेल संस्थानों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराया जाना जो है यह भी भारत में खेल संस्कृति के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। खेल मंत्री के रूप में भी योग्य खिलाड़ी का चयन किया जा सकता है, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है यह भी खेल मंत्री भारत में कुछ दिन तक रहे हैं। अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो है ये चाइना में भी देखने को मिला था, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि दीर्घावधि की योजना तैयार करना। शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो कुछ होनी ही चाहिए लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होनी चाहिए और उसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को फॉलो करते हुए शॉर्ट टर्म की प्लानिंग होनी चाहिए, दीर्घावधि की योजना होनी चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं अभी भी ओलंपिक में जो लोग जीत कर आए हैं तो कोई सरकार जैसे कि है कोई राज्य सरकार, हरियाणा सरकार उदाहरण के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, उसने कहा कि हम 5 करोड़ देंगे तो दूसरी सरकार कहती है 5 करोड़, राज्य सरकार हम 7 करोड़ देंगे। तो क्या होता है कि खिलाड़ी जो जीत कर आते हैं उसके बाद उनके ऊपर इनाम की बरसात कर दी जाती है, कोई भी प्रतिस्पर्धा में जीत कर आते हैं तो माफ कीजिएगा इससे क्या होता है कि कई बार जो है ये बहुत ज्यादा इनाम वगैरह मिलना भी खिलाड़ियों के हित में नहीं जाता है, मीडिया की चकाचौंध और ये इनामों के बरसात जो है क्या होता है कि उनके खिलाफ जाता है और उनके प्रदर्शन में गिरावट आने लगती है। ऐसा करने के बजाय क्या यह जा सकता है कि उभरते हुए प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं उनको पहले से ही आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। कुछ वैसे खेलों को चिन्हित किया जा सकता है जिसमें या तो हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं
अथवा उनके अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। उसके बाद किया क्या जा सकता है कि खेल एवं खिलाड़ियों के विकास में ऊर्जा झोंक देनी चाहिए, जैसे कि क्यूबा में बॉक्सिंग, कीनिया जो है लंबी दूरी की दौड़, जमैका स्प्रिंट रेस, महिलाओं की जो अभी वुमेन्स जो रेस हुई थी स्प्रिंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जमैका की ही खिलाड़ी थी, ईरान जो है पहलवानी आदि जैसे देश जो इसी रणनीति का अनुपालन करते हैं, उन्होंने कुछ स्पेशल खेल को चुन लिया है, उसी में वो जमकर तैयारी करते हैं, और उसी में जो मैंने ऊपर बताया कि कीनिया ने इतना मेडल जीता, ये किया, तो ये लोग इसी रणनीति का अनुपालन करते हैं। भारत को भी ऐसा करना चाहिए, और भारत के संदर्भ में ये खेल हो सकते हैं, कुश्ती हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, मुक्केबाजी हो सकता है, लंबी दूरी की दौड़ भी हो सकती है। लंबी दूरी की दौड़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भारत में आप देखते होंगे सेना की तैयारी करने के लिए लोग बहुत लंबी लंबी दूरी तक बचपन से ही दौड़ते रहते हैं, कई बार कमर में टायर वगैरह बांध कर दौड़ते रहते हैं, तो लंबी दूरी की दौड़ की परंपरा भी हमारे यहाँ है, तो यह भी हो सकता है, भारत के संदर्भ में इसको भी लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है खेल को सरकार को क्या है कि अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल कर लंबी अवधि की योजनाओं पर कार्य करना चाहिए। अभी हम लोग जानते हैं कि 7 साल में हमारे जो है 6 खेल मंत्री बदले गए हैं, 7 साल में 6 खेल मंत्री बदलकर आप कोई भी बहुत लंबी या दीर्घावधि की योजना नहीं बना सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है यह है खेल बजट में वृद्धि, यह भी बहुत जरूरी है। हमारा जो खेलों का बजट है, हालांकि अभी इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। 2017-18 में जो भारत का खेल बजट था वो 1943 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। 2017-18 से लेकर 1920 तक की अवधि के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम जो भारत सरकार ने चलाया है उसमें 1756 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। 1756 करोड़ और 1943 करोड़ इन दोनों को अगर जोड़कर 3 से गुना भी किया जाए तब भी यह क्या होगा कि ब्रिटेन के खेल के बजट से बस थोड़ा ही सा ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रिटेन का जो खेल बजट था वो 17-18 में कितना था, 9000 करोड़ था, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद लगभग 3 गुना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा खेल का बजट क्या है, बहुत ही कम है, तो खेल के बजटों में बजट में वृद्धि की जा सकती है। 2020-21 में क्या है, वृद्धि करने के बाद हमने क्या किया कि खेलों का जो अनुमानित बजट रखा कि 2826 करोड़ रुपया 92 लाख रुपया देंगे, लेकिन उसको संशोधित करके 1800 करोड़ रुपया कर दिया गया, यानी कि उसमें 36% की लगभग गिरावट की गई, और वो भी बताइए उस वित्तीय वर्ष में जब ओलंपिक जैसा आयोजन होना था। तो खेल बजट में वृद्धि बहुत जरूरी है, जिससे कि हम अपने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं दे सके, विश्व स्तरीय प्रशिक्षक दे सके, विश्व स्तरीय तकनीक उन्हें मुहैया करा सके, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो ऊपर जितना कुछ भी कहा गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट खेलों में होना चाहिए, वो हम तभी करेंगे जब हम अपने बजट में वृद्धि करेंगे। खेलों को लेकर डेडिकेटेड विश्वविद्यालयों की अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो है विश्वविद्यालय, हमारी संस्कृति में क्या कहा गया है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, इस मानसिकता को बदलनी चाहिए। खेल जो है खेल को जीविकोपार्जन और रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है, या किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय कोई राज्य हर राज्य को अपने स्तर पर तरह तरह की योजनाएं लागू की जानी चाहिए, कर सकता है, जैसे कि आप कोई भी राज्य का है, बिहार का जैसे उदाहरण के लिए लिया जा सकता है, कोई बिहारी खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ता है तो उसको DSP का पोस्ट दिया जा सकता है, इस तरह की कई योजनाएं की जा सकती हैं। एक और जो है कि खेलों के क्षेत्र में हम लोग जो है सुधार के लिए क्या कर सकते हैं कि निजी क्षेत्रों की भागीदारी में हम लोग वृद्धि कर सकते हैं। निजी क्षेत्र जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी वृद्धि कर सकते हैं। कई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो उन्हें खेल और खिलाड़ियों को प्रायोजक बनने के लिए, और खेलों से जुड़ी हुई जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसका विकास करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इन सब के अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है कि खिलाड़ियों को मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए उनको, जैसा कि मैंने पहले ही कहा मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना चाहिए। कई बार होता है कि खिलाड़ी जो है बहुत अच्छा कर रहा होता है, जैसे कि अभी वो हरमनप्रीत कौर या कोई थी जो डिस्कस थ्रोवर, तो वो लगभग कि अपने जो उन्होंने फेंका था डिस्कस, तो अपने ग्रुप में सबसे आगे थी, लेकिन पता नहीं आगे चलकर वो कहाँ पिछड़ गई। हमारी कई ऐसे खिलाड़ी हैं दुनिया में जिनकी रैंकिंग हमेशा जो है, कई ऐसे खेल हैं भारत में जिनमें 6-7 ऐसे खेल हैं जिसमें कि खिलाड़ियों की रैंकिंग जो है रैंक 1 है, लेकिन फिर भी वो ओलंपिक में जाकर क्या होता है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो इन सब पर फिर ध्यान दिया जा सकता है। इन उपायों जो मैंने ऊपर उपाय बताए, इन उपायों को अपना कर जो है क्या है कि भारत में खेल संस्कृति का जो है विकास हो सकता है, और अपना देश भारत भी जो है प्यारा देश भारत खेल की महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये उपाय हैं, इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जिनको अपना कर जो है भारत जो है क्या बन सकता है, सुपर पावर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी
बन सकता है, उदाहरण मौजूद हैं। 1952 में ओलंपिक में जब चीन ने भाग लिया था, उसने एक पदक नहीं जीता था, लेकिन 32 साल बाद जब ओलंपिक में 32 साल तक ओलंपिक से दूर रहा, जब 1984 में आया तो क्या किया कि उसने 15 स्वर्ण पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक में भी जो है क्या है कि उसकी हम अब अमेरिका से हमेशा होड़ रहती है पहले और दूसरे स्थान के लिए। वह लगभग शुरू से अंत तक जो है टोक्यो ओलंपिक में भी पहले स्थान पर चल रहा था, अंतिम दिनों पिछड़ कर दूसरे स्थान पर चला गया। 84 में उसने 15 स्वर्ण पदक जीते थे। ब्रिटेन जो है 1996 में सिर्फ एक स्वर्ण पदक जीता था। 2020 टोक्यो ओलंपिक में जो है इसने 16 स्वर्ण पदक सहित जो है कि कुल 52 पदक जीते थे। अभी इसकी संख्या में और वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब है कि पहले भी इन उपायों को अपनाकर जो है कई सारे देश जो है आगे आ चुके हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता है कि भारत में खेलों का उत्थान व खेल संस्कृति का विकास नहीं हो सकता है। तो जरूरत है बस दृढ़ इच्छा शक्ति की एवं विशिष्ट उपायों को अपनाए जाने की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टोक्यो ओलंपिक के सबक, भारत में खेल संस्कृति का विकास, इसके अंतर्गत जो है हमने देखा। पहले हमने यह देखा कि क्या यह पश्चिमी देशों का पक्षपात है। कहने का मतलब यह है कि क्या पश्चिमी देश जानबूझकर ऐसे खेल रखते हैं जिनमें उनका वर्चस्व हो। निश्चित रूप से कुछ ऐसे खेल हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है, जैसे कबड्डी, जैसे कि चेस, जैसे क्रिकेट, जो कि शामिल नहीं किए गए हैं। लेकिन अधिकांश खेल ऐसे हैं जो कि हमारी ही संस्कृति में रचे बसे हुए हैं और हमारे संस्कृति में रचे बसे हैं, और उसके बाद जो है उसके बावजूद भी हम लोग नहीं जीत पाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सुधार के करने जो है इस सुधार के लिए किए जाने वाले प्रयास, इनमें हमने 6-7 प्रयासों की चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।